यह है राजस्थान विश्वविद्यालय का 5 ईयर लॉ कॉलेज। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। यहाँ 12वीं पास करने के बाद विद्यार्थियों को रूलेट परीक्षा पास करने के बाद LLB में प्रवेश मिलता है। यह LLB 5 साल की होती है और 5 साल के बाद छात्र को BA LLB ऑनर्स की डिग्री प्रदान की जाती है। 2008 से 2013 तक यहाँ पहला बैच पास आउट हुआ और पहले ही बैच के लगभग सभी छात्र आज कई बड़ी लॉ फर्म्स में जॉब कर रहे हैं, तो कुछ बड़ी MNC कंपनीज में अच्छे पैकेज पर जॉब कर रहे हैं, तो कुछ वकालत कर रहे हैं। कॉलेज के रमन शर्मा, स्वाति व्यास, प्रीति सिंह, ब्रजपाल चारण और मनोज जिंगर ने RJS की परीक्षा भी पास की है। अब वे इंटरव्यू की तैयारी में जुटे हैं। कॉलेज प्रशासन इन सभी पर काफ़ी गर्व महसूस कर रहा है। RJS के लिए पहली बार स्टूडेंट्स एलिजिबल हुए थे। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आए हैं और 5 स्टूडेंट्स का अभी जो रिजल्ट आया RJS का, उसे 5 स्टूडेंट्स का एक बार रिजल्ट आउट, मतलब वो पास आउट हो गए हैं। अब वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। आशा करते हैं 5 विद्यार्थी इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाएंगे। ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत गर्व की बात है। हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स सारे लॉ फर्म में चले गए जो पास आउट हुए थे, MNCs में चले गए, खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और RJS में चले। अच्छा पैकेज है, 3 से लेकर 6 लाख तक का पैकेज है, जैसे इंडिया बुल्स, माइंड मर्चेंट, श्रीराम फाइनेंस, जैसे चिरमृत एक लॉ फर्म है, वो बॉम्बे की फर्म्स भी हैं। इसके अलावा बच्चे स्टूडेंट्स खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है वो स्टूडेंट LLM प्रीवियस से पढ़ भी रहे हैं, जैसे कि रमन शर्मा बहुत ही होनहार विद्यार्थी है, स्वाति व्यास, इसके अलावा एक मनोज है और 2 स्टूडेंट और भी हैं। RJS की परीक्षा पास करने वाले रमन शर्मा ने अपनी सफलता का श्रेय कॉलेज प्रशासन को दिया है। रमन का कहना है कि जब वो 12वीं पास करके यहाँ आया था तभी उसने अपने मन में RJS बनने का मानस बना लिया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। कॉलेज के अच्छे वातावरण और नियमित पढ़ाई और सभी टीचर्स के सही गाइडेंस से उसने इस परीक्षा को पास किया है। अब वो इसके इंटरव्यू की तैयारी में जुटा है। देखिए सर, जब मैं 12th पास RJS कॉलेज में आया तो उसी दिन से मैंने सोचा था कि मुझे RJS के लिए प्रिपेयर करना है, और जो मेरा सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ कॉलेज में जो मैंने 5 साल पढ़ाई की है, जो मेरे टीचर्स का मुझे गाइडेंस मिला, उसकी वजह से मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद मैंने खुद से तैयारी की थोड़ी बहुत, वो सिर्फ एक पॉलिशिंग थी, पर जो 5 साल ये एनवायरमेंट मिला, जो मैंने यहाँ सीखा पढ़ा, वो मेरी वो मतलब वो सब कुछ था। उसकी वजह से मैं यहाँ आज RJS मेंस क्रैक कर पाया हूँ। और यहाँ जो 5 साल हमारी पढ़ाई होती है, डे टू डे पढ़ाई होती है, रेगुलर पढ़ाई होती है, सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स आपको पढ़ाते हैं हम लोगों को, और उस मतलब एक हमको ये कंपटीशन ओरिएंटेड यहाँ पढ़ाई होती है, तो वो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। हमारे यहाँ मंडे टेस्ट होता है, उसे डे टू डे जो भी हम 3-4 दिन में जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो हम रिवाइज करते हैं, तो एक बहुत डीप स्टडी यहाँ 5 ईयर में हो चुकी थी, जो मुझे बहुत हेल्प करी। सिर्फ LLB की डिग्री लेने से ही कुछ नहीं होता है, उसके लिए कॉलेज में नियमित क्लास जरूरी होती है, तभी विद्यार्थी को पूरी समझ हो पाती है, यह कहना है रमन का। रमन फिलहाल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से LLM कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने RJS की तैयारी करने वालों को भी कहा है कि वे नियमित पढ़ाई के करीब रहें और कोचिंग की बजाय अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उसे अंजाम दें, क्योंकि कोचिंग आपको सिर्फ आपके लक्ष्य तक ले जाने में कुछ सहायता कर सकती है, लेकिन आपकी मेहनत उसमें जरूरी होती है। इसके लिए आपको नियमित 14 से 15 घंटे अध्ययन करना होगा। सर, उसमें सबसे बड़ी चीज़ है रेगुलरिटी। रोज़ हमारी क्लास होती है, हम लोग रोज़ यहाँ आते हैं, रोज़ हम टच में रहते हैं ओके, तो सर उससे धीरे धीरे हम ग्रुप हो जाते हैं। बाकी कोर्सेज में जैसे 3 ईयर में बच्चा आता है, साल भर नहीं आता, सिर्फ एग्ज़ाम रहता है, गाइड पढ़ के पास हो जाता है, हमने कभी गाइड नहीं पढ़ी यहाँ पे सर, हम सिर्फ हमारी बुक से हमारे टीचर्स के द्वारा पढ़ते थे। सर, मैं अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ में LLM फाइनल में हूँ सर। सर, मेरा उनके लिए यही कि आप पढ़ाई के टच में रहें, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत आ रही है, क्योंकि जितना आप ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे, ज़्यादा कोचिंग के पीछे, सर कोचिंग आपकी हेल्प करता है आपको सेम तक पहुँचाने में, अल्टीमेटली पढ़ाई आपने करनी है, और कम से कम RJS करने के लिए दिन में 14 से 15 घंटे आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है सर। ऐसे होनहार छात्रों को पाकर भला कौन सा कॉलेज प्रशासन खुश क्यों नहीं होगा, यही हाल इस 5 ईयर लॉ कॉलेज के प्राचार्य का भी है। वे इन सभी छात्रों पर गर्व करती दिखाई दे रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि ये सभी छात्र RJS के इंटरव्यू में भी सेलेक्ट होंगे और एक अच्छे जज बनकर देश की सेवा करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय के 5 ईयर लॉ कॉलेज की स्थापना 2008 में हुई थी और 2008 से 2013 तक यहाँ पहले कॉलेज के बैच ने अपनी पढ़ाई पूरी करी। इसके बाद यहाँ जो पहला बैच निकला उसमें कुछ होनार 5 छात्रों का RJS 2013 की परीक्षा में
सिलेक्शन हुआ है और अब वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कुछ स्टूडेंट्स का अच्छी अच्छी कंपनियों में अच्छे अच्छे पैकेज पर सिलेक्शन हुआ है। कॉलेज प्रशासन उनकी कड़ी मेहनत और उनकी लगन की दाद देता दिखाई दे रहा है। वहीं कॉलेज की जो प्रिंसिपल मंजू कुलवाल हैं, उनका भी कहना है कि यहाँ कॉलेज प्रशासन की नियमित पढ़ाई और नियमित क्लास का ही नतीजा है कि यहाँ के छात्रों ने उनके कॉलेज का नाम रोशन किया है। कैमरा पर्सन दिनेश शर्मा के साथ डीजी न्यूज़ के लिए मैं राहुल भारद्वाज।